हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहाँ पर क्रिकेट का महाकुंभ और इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अगर रिसेंटली कुछ मैच की बात करें जो कि काफ़ी हर एक मैच में हर एक टीम काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी कर रही है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं टूर्नामेंट के 13वें मैच की जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मैच आपको 31 मार्च को विशाखापट्टनम के YSR रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 80% रहेगा और टेम्परेचर 35°C रहेगा। अब बात करते हैं विनिंग परसेंट देखते हैं जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 46% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 54% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं अब स्कोर देखते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग का भी स्कोर 157 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का भी स्कोर 130 है। वहीं आगे बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं ओवरऑल, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 29 मैच खेले गए हैं जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स 19 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स 10 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी चेन्नई का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे चेन्नई ने अब तक खेले गए दोनों मैच में जीतकर टूर्नामेंट का अच्छा आगाज भी किया है। पहले ही मैच में जहां पे RCB को, वहीं सेकंड मैच में जहां पे गुजरात को हरा कर दिया। टीम अब तक टेबल टॉप पे स्टेबल है। इस मैच में टीम प्लेइंग 11 में 2-3 बदलाव भी कर सकते हैं। ओपनिंग में बात करेंगे जहां पे टीम के लिए रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। वहीं नंबर 3 पे बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे जो कि अब तक बल्ला खामोश चल रहा है। मिडिल ऑर्डर में जहां पर डैरिक मिचेल एंड शिवम दुबे कंसिस्टेंट होकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दुबे ने लास्ट गेम में 51 बनाए, तो वहीं लो ऑर्डर में फिनिशिंग के लिए जडेजा और समीर रिजवी हैं, दोनों ने अब तक बैटिंग नहीं की। वहीं बॉलिंग में बात करें सभी बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों मैच में, जहां पर दीपक चहर ने स्टार्टिंग के 2 विकेट लेकर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जहां पर शरद ठाकुर को चांस नहीं मिला, जहां पर तुषार देशपांडे ने 2 विकेट लिए थे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट भारतीय दिग्गज रविंद्र जडेजा है, यहाँ पे बांग्लादेश के पेसर मुस्तफाजुर रहमान जो टीम के लिए मोस्ट विकेट टेकर है उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जहाँ पे मथीसा पथिराना भी इकोनॉमिक स्पेल डाल रहे हैं। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेइंग 11 देखते हैं जहाँ पे रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्य रहाणे है, डैरिक मिचेल है, शिवम दुबे, समीर रिजवी, MS धोनी है, रविंद्र जडेजा है, तुषार देशपांडे, दीपक चहर, मुस्तफाजुर रहमान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात की जाए जो कि रचिन रविंद्र है, शिवम दुबे है, मुस्तफाजुर रहमान। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम के लिए अब तक टूर्नामेंट बहुत ही खराब रहा क्योंकि टीम अपने दोनों मैच हार के आ रही है। टीम पहले गेम में जहां पे पंजाब से हार गई, तो वहीं दूसरे गेम में जहां पे राजस्थान ने टीम को हरा दिया। टॉप ऑर्डर में जहां पे डेविड वार्नर, मिचेल मार्शनर स्टार्ट दे रहे हैं, वहीं पृथ्वी शॉ अब तक चांस नहीं मिला, जहां पर ऋषभ पंत कमबैक के बाद सबसे बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहां पर रिक्की बुई और टिस्टन स्टब टीम को बैलेंस करेंगे, स्टब्स ने लास्ट गेम में 44 रन की इनिंग खेली थी, वहीं जैक फ्रेशर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। जहां पर लोअर ऑर्डर में जहां फिनिशिंग के लिए अभिषेक पोरेल और अक्षर पटेल टीम को रन चाहिए होगा, दोनों को टीम में रन बनाना होगा। वहीं बॉलिंग में बात करेंगे जहां पर साउथ अफ्रीकन पेसर हेनरिक नॉर्डी जो कि सेकंड मैच में बहुत महंगे पिट गए थे, जहां पे मुकेश कुमार ने भी 4 ओवर में 49 रन दिए थे। यहां पे खलील अहमद पेस अटैक को लीड करेंगे, वो अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे कुलदीप यादव, अक्षर पटेल टीम के लिए प्लस पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के जी चार्जर्सन को इस मैच में टीम मौका दे सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, रिक्की बुई है, टिस्टन स्टॉप्स है, ऋषभ पंत है, सुमित कुमार है, अक्षर पटेल है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है, खलील अहमद है, हेनरिक नॉर्डी। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखा जाए जो कि डेविड वार्नर है, ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं टॉस की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का टॉस विनर यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स होगा। अब अगर बात करते हैं चलते विनर की ओर, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का यहाँ पे मैच विनर चेन्नई सुपर किंग्स होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की रिसेंटली परफॉर्मेंस दोनों मैच में काफ़ी ज़बरदस्त रही, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को अगेन हार मिल सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।